शिमला में आयोजित हस्तशिल्प व्यापार मेले में लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेले में बांस से बनाई गई वस्तुएं, हस्तनिर्मित फूल और सिल्क के बने कपड़े लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। ये उत्पाद न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि देखने में भी काफी खूबसूरत हैं। यही कारण है कि हस्त प्रेमियों की भारी भीड़ मेले में देखने को मिल रही है। तबीयत खुश हो गई। यहाँ का जो हस्तशिल्प का काम है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, देख करके एक से एक अच्छा आइटम और इतना इकोनॉमिकल, कितनी इसमें मेहनत लगी होगी ये तो इसका काम देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन इतने कम दामों पर हस्तशिल्प की चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक से एक अच्छी चीजें। हम लोगों का यहाँ पर आने से ऐसा लगा कि शायद हम नॉर्थ ईस्ट में ही विजिट कर रहे हैं। मेले का मकसद राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देना है, जिससे कि पर्यटक यहाँ के पहनावे और रहन सहन के तौर तरीकों से परिचित हो सके। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द मार्केटिंग एवेन्यूज ऑफ द पोर आर्टिजन्स एंड वीवर्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर। आवर मोटो इज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इन ऑल ओवर इंडिया, इवन इन अब्रॉड ऑल्सो, so that they can get a good platform to sell their products and get good exposure from the customers and the buyers. मेले में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को प्रमुखता से जगह दी गई है और यहाँ रखे उत्पादों में इसकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।